प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। प्रॉब्लम्स तो है सब के साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हमें तो बारह नहीं आता ये। हाँ, इसलिए तो हम मोबाइल लेने आए थे। अरे अपन कितनी दूर से आए स्कीम के लिए, थोड़ी कर सकते हैं, कुछ नहीं पता। 12 dozen आम तो देने मांगता है। हाँ हाँ, 12 dozen नहीं तो 6 dozen आम तो दे दीजिए हमें। ऐसा थोड़ी होता है। अरे नहीं नहीं, चीटिंग बिटिंग कुछ नहीं है, थोड़ा क्या वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। मेरे आदमी ने ये जब बनाने को दिया ना प्रिंटर को, तो देखो ये पूरा दिया था लिख के, तो इसमें क्या लिखा है देखो, 12 nang यानी 1 dozen। तो क्या हो, एक लाइन में आया नहीं होगा ना, तो गधे ने वो नंग यानी 1 उतना निकल दिया, तो 12 dozen नहीं हो गया। पर चीटिंग बिटिंग कुछ नहीं है, जरा आप लोग भी सोचो, 600 रुपया डजन का आम है, 12 dozen में आपको दूंगा मतलब 7200 का माल हुआ। अभी आप 4-5 हजार का मोबाइल लेंगे, उसके ऊपर 7200 का आम थोड़ी कोई देगा, थोड़ा सोचने वाली बात है ना। देखिए ये 1 dozen मुझे परवड़ता है, 1 dozen भी बढ़िया ऑफर है, आप ले लो आंख बंद करके, सोचो मत ज्यादा। ठीक है ना, मोबाइल तो लेना ही था, ले लेते। हाँ हाँ, इट्स ओके, हम लोग भी मोबाइल ले लेते हैं। हाँ, हम लोग बहुत ईमानदारी से करते हैं धंधा, कोई चीटिंग वीटिंग। आई आई आई, मैं आपको देता हूँ, आप पे ध्यान रखो नटू काका। आई आई, इधर आई इधर आई, आप इसे पैक कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, मुझे भी वही दीजिए। कही है ना, ठीक। हाय जेठा जी। अरे बबीता जी, आई आई नटू काका, एक मुझे काउंटर देखना। इनको आइए आइए बबीता। अरे यार, अरे बबीता जी, आप अचानक यहाँ? कोलकाता जाना है। हाँ चलो चलते हैं। यार तुमको नहीं आना है, हम दोनों कोलकाता जा रहे हैं। अरे मालूम है भाई, मैं दुकान छोड़ कर थोड़ी आपके साथ कलकत्ता आ सकता हूँ। मजाक कर रहा हूँ भाई, लेकिन क्यों अचानक? भाई साहब मोबाइल खरीदना। उधर 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 उधर। हाँ बबीता जी, क्यों अचानक कलकत्ता जा रहे हैं? वो एक्चुअली मेरी कजिन की शादी है, इसलिए हम जा रहे हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, कितने दिन के लिए जा रहे हैं? 2 दिन बस। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, जाइए जाइए, हो आइए। जेठालाल, हम लोग तुमको इन्फॉर्म करने नहीं आए कि हम लोग कोलकाता जा रहे हैं। तो एक्चुअली कजिन को शादी में गिफ्ट करने के लिए एक मोबाइल चाहिए। अच्छा बढ़िया, लेटेस्ट पीस दिखाता हूँ बबीता जी, एक मिनट। 10-12 हजार की बजट है। बबीता जी पैसे मांगे मैंने आपसे, पैसे की चिंता आप करिए ही मत। अभी ला, एक मिनट। नटू काका जी, वो एक लेटेस्ट पीस है ना मोबाइल का, वो दिखाइए जरा, एक मिनट। लाइए लाइए, ये देखिए बबीता जी, इसमें क्या है, दोनों है और टच स्क्रीन भी है और क्यूटी पैड है। कीपैड नहीं, वो नहीं है, वो उंगली से टाइप कर सकते हैं, ऐसा है। राइट राइट, अच्छा है ना ये? एक अच्छा है, एकदम बढ़िया है। Very nice, very nice. Best piece है. Perfect, this one. जरा ये कितने का है? अरे यार भाई, छोड़ो ना पैसा, क्या पैसा पैसा करते हो? नहीं, फिर भी हमको मालूम तो पढ़ना चाहिए ना? हाँ. 10:30 का है. अरे भाई अभी मैंने मांगे आपसे, आप कोलकाता घूम के आओ, बाद में आराम से देना। तो दिस वन। नटू काका, इसका एक पेटी पैक पीस देना। सेठ जी, हो गया। शाबाश, अभी ये मोबाइल नटू काका को दे दे और वो जो बॉक्स दे रहे हो लेके आ जल्दी। जी, ये लीजिए। लाइए लाइए, ला जल्दी, ये लीजिए बबीता जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी बताइए आप क्या पियेंगे, ठंडा गरम? एक काम कर, बहुत गर्मी है ना, भगा दो बढ़िया फालूदा, बोल तकमरिया बकमरिया डाल के, आप बढ़िया साहब, या बोल बोल जी। अरे नहीं नहीं, जरा लाल उसका जरूरत नहीं है, देखो हमको एयरपोर्ट जाना है, उधर लेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम कर भाई, 5 dozen आम दे दे। अरे वाह, मतलब बबीता जी ने 5 mobile खरीदे? नहीं, हमने तो एक ही लिया। तो फिर 5 dozen क्यों, फिर से कुछ चेंज करना है?
डोडा बोला उतना करना भाई जी। बागा बागा क्या प्रॉब्लम क्या है? नहीं अय्यर भाई, दरअसल आज के दिन एक स्कीम रखी है, एक मोबाइल लेने पर एक डजन हापुस आम फ्री। ओह नाइस। क्या डाला? हमको पांच डजन क्यों? अरे आप कस्टमर थोड़ी, आप तो घर के हैं। दे भाई दे बागा, पांच डजन आम दे। जी जनरल, अबे ये इतने सारे सामान के साथ में ये बॉक्स किधर लेकर जाएंगे? एक काम करो, तुम इसको संभाल कर रखो, हम कोलकाता से आने के बाद ये बॉक्स ले लेंगे, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। फिर भी एक काम करो, ये एक बॉक्स तो लेकर ही चाहिए। अरे अभी ना मत बोला, आपने कुछ ठंडा भी नहीं किया ये। और एक बॉक्स मेरी तरफ से आपके कजिन को शादी में गिफ्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू, अरे आप इधर है, आपका थैंक यू। चलो चलो, अभी तो फ्लाइट मिस हो जाएगा। हाँ, और प्लेन तो ट्रेन की तरह भाग के भी नहीं पकड़ पाएंगे। ओके बाय बाय, सी या। ओके जल्दी जल्दी वापस आ जाओ घूम के, सब इंतजार करेंगे गोकुलधाम सोसाइटी में आपका। ओके बबीता जी, संभाल के भाई, तो फटाफट एयरपोर्ट चलो। ये लीजिए, ये आपका मोबाइल। थैंक यू सर। हाँ बागा, तेरी स्कीम तो आज कमाल काम कर गई। सेठ जी, अगर आप मेरा दिमाग खोल के देखोगे ना, तो इससे भी बढ़िया बढ़िया स्कीम बाहर गिर पड़ेगी। हाँ सेठ जी, बागा में बचपन से ही स्पेशल टैलेंट है। क्या है? अनोखी दिमागी कला। वो जो भी हो, आज बागा तूने खुश कर दिया। एक काम कर, इसमें से दो बॉक्स तू अपने घर पे लेके जा। थैंक यू सेठ जी। और नटू काका, दो बॉक्स आप लेके जाओ। थैंक यू सेठ जी। बाकी के मैं घर लेके जाऊंगा, सोसाइटी में सबको बांट दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे सेठ जी, ये ब्रीफकेस कौन भूल गया है? ये कौन भूल गया इधर? ये किसकी है? सेठ जी, ये बैग में से कुछ आवाज आ रही है। देखो। सुनो सेठ जी, सेठ जी इसमें कहीं बम तो नहीं? क्या बोल रहा है बागा? नटू काका जल्दी इधर आइए, इधर आइए। अरे लेकिन हमारी दुकान में कोई बम क्यों रखेगा? सेठ जी, जहाँ भीड़ होती है वहीं वो लोग बम रखते हैं, और हमारी दुकान में आज भीड़ कितनी थी। अरे लेकिन हमारी दुकान में कोई बम क्यों रखेगा? सेठ जी वो सब बाद में सोचेंगे, पहले यहाँ से चलिए। अरे मेरी दुकान। अरे दुकान सर सलामत तो पगड़ी है हजार, जान है तो दुकान है, जान नहीं तो दुकान कहाँ? आइए सेठ जी। क्या हो गया नोटू काका? हमारे दुकान में बम। अरे पुलिस दादा। अरे क्या है? सॉरी क्या? आहिस्ता, हमारी दुकान में छोटा बैग में कोई बम रख के गया है सर। क्या? आहिस्ता बोलिए, बम फट जाएगा। साहब यहाँ पे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में बम रखा है। छोटा बैग में? छोटा बैग में। जल्दी आओ। हाँ सर, हाँ साहब जल्दी आ जाइए। हाँ हाँ सर, ओके। चुप 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 चुप। भाई साहब जरा जल्दी चला, लेट हो रहा है। रिलैक्स अय्यर, हमारे पास टाइम है, हम लोग वक्त से पहले एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। ओके डोंट वरी। पीछे पीछे सब लोग।
मेरे भाई अंदर मुंह में कौन आगे जाएगा। मेरी दुकान। अरे सेठ जी कुछ नहीं होगा, बापूजी के आशीर्वाद आपके साथ है। ए गागो भेड़ा रोसम को चलिए, ए चलो आइए आप अंदर रही, चलो चलो, ए चलो चलो अपने आप बच गए, चलो इधर क्या लगा है, चलो इधर। ये बैग में बम नहीं था? नहीं अंदर बम नहीं है। तो उसमें से कुछ आवाज आ रही थी, वो किसकी आवाज थी? उसके अंदर मोबाइल है, उसकी आवाज है। ये बैग किसकी है? पता नहीं। ये दुकान आपकी है? जी। कोई भी आपके दुकान में ये बैग रख के चला जाता है और आपको पता नहीं चलता? नहीं क्या इंस्पेक्टर साहब, आज जो स्पेशल स्कीम रखी थी ना हमने, एक मोबाइल की खरीदी पे एक डजन आम फ्री, तो उससे क्या है घर की बहुत बढ़ गई, गिरदी हो गई दुकान में, तो कौन भूल के चला गया पता नहीं चला। ये बैग ताबे में लो। जी सर। और आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। पुलिस स्टेशन? मैंने क्या किया? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी पेपर फॉर्मेलिटीज है जो पूरी करनी है। चलिए। ए भगवान, मैं जितनी बार अपने ससुराल नहीं गया हूँ उससे कई ज्यादा बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है। पुलिस स्टेशन कोई लफड़ा ना हो तो अच्छा। काम करता हूँ, मेहता साहब को उधर बुला ही लेता हूँ। जेठालाल अब क्या मुसीबत हो गई? हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब अभी कभी पुलिस स्टेशन आओ। फिर से पुलिस स्टेशन? यार जेठालाल तुमने क्या पुलिस स्टेशन की लाइफ मेंबरशिप ले रखी है कि जब देखो पहुंच जाते हो? अरे भाई जोक मत मारो अभी। अच्छा बोलो क्या हुआ? अरे भाई क्या हुआ वो तो इसलिए बोल रहा हूँ, प्लीज जरा आओ ना पुलिस स्टेशन। ओहो जेठालाल इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, तुम पे कोई केस बनने वाला नहीं है। तुम्हारी दुकान में वो बैग मिला है तो पुलिस तुम्हारे स्टेटमेंट लेगी, FIR लॉन्च करके तुम्हारे स्टेटमेंट पे साइन करवा देगी, बस चिंता की कोई बात नहीं है। ओके। ए भाई क्या हुआ? चलिए ठीक है, ओके ठीक है, ओके चलिए। नंटू काका मैं आता हूँ जरा, बेफिक्र से। हेलो चालू पांडे स्पीकिंग। सर यस सर, ओके ओके सर, बैग ढूंढ रहे हैं सर, ढूंढ रहे हैं। ओके ओके गॉट इट सर, बस सर। अरे पाटिल जी सर, वो कमिश्नर साहब की पत्नी के भाई का बैग मिला? सर ढूंढ रहे हैं। ढूंढो ढूंढो, अगर बैग नहीं मिला ना तो दूसरी नौकरी ढूंढने पड़ेगी। टाइम तो नहीं लगेगा। नहीं नहीं फटाफट हो जाएगा, तुम चिंता क्या करता है। अरे जेठालाल वेलकम वेलकम भाई, आओ आओ। और सब ठीक? सब सब ठीक। सब ठीक है तो फिर यहाँ कैसे? अरे पाटिल जेठालाल आए हैं, फूल उल डालो, आरती वारती उतारो। अरे भाई इस पुलिस स्टेशन के प्रीमियम कार्ड होल्डर हैं ये। अच्छा? हाँ, जब कार्ड का रेट सस्ता चल रहा था तब इन्होंने खरीदा था। लाइफ मेंबरशिप है इनकी इस पुलिस स्टेशन में। बहुत दिनों से कार्ड यूज नहीं किया जेठालाल। क्या चालू जी, पांडे जी आप पुलिस होकर मजाक कर रहे हैं। क्यों पुलिस वाला मजाक नहीं कर सकता? अच्छा आज आरोपी हो कि फरियादी? ना फरियादी हूँ ना आरोपी, मैं तो मुसीबत का मारोपी हूँ, मतलब मुसीबत का मारा हूँ। जब ये आरोपी और फरियादी नहीं है तो इसे लाया क्यों? पांडे साहब ये जो लावारिस बैग है ना वो इन्हीं की दुकान से मिला। अच्छा? हाँ। पाटिल जरा देखना कि कमिश्नर की पत्नी के चचेरे भाई का ये बैग है।
अरे जेठालाल, सुबह तुम्हारे दुकान के आसपास कोई लाल बत्ती वाली गाड़ी दिखी थी? नहीं, लेकिन हाँ। स्टॉप स्टॉप, नोट डाउन, कम ऑन। लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं, लेकिन मेरी दुकान के सामने एक पूरी लाल कलर की गाड़ी खड़ी थी। स्टॉप, इरेज कर। सर मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं। वेरी इंटेलिजेंट, चल अंदर। जेठालाल, लाल बत्ती और पूरी लाल गाड़ी में कुछ। सर। यस सर, ये बैग वो नहीं है। क्यों? वो बैग का हैंडल ब्लैक था सर। इतने देर के बाद पता चला कि वो हैंडल ब्लैक था? ये तो कमिश्नर साहब का बैग है ही नहीं। अरे मैं तुझसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ तो नहीं होगी। अरे तो फिर बैग है कहाँ? मुझे क्या पता। तुम्हें पता है? नहीं सर, मुझे भी नहीं पता सर। तुमको नहीं पता, इसको नहीं पता, मुझे नहीं पता, तो फिर ये बैग है कहाँ? इसमें बॉम्ब है। गो बैक, गो बैक, गो, मूव, बॉयज मूव, सॉलिड मूव, मूव, मूव। इस बैग में बॉम्ब है। अरे साहब, हमको भी बाहर निकालो साहब, हमको मरना नहीं। साहब खाली दूध की थैली चुराई थी। अरे बारी बारी से सबका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। बैक बैक, राणे गो बैक, बॉम्ब है, बॉम्ब। अरे पांडे साहब, बॉम्ब स्क्वाड वाला इस बैग को डिटेक्ट कर चुका है इसके दुकान में। इसमें बॉम्ब नहीं है, मोबाइल है। इसका स्टेटमेंट लेने के लिए तो हम इसे यहाँ लेकर आए हैं। खामखा डर गया पांडे जी। हंसता क्या? हाँ, हंसता क्या है? पुलिस वाले का मजाक उड़ाता? हाँ? अबे तू है? मजाक करेगा तो पड़ेंगे डंडे। नहीं नहीं, पर मैं कहाँ मजाक कर ही नहीं रहा था। फट्टू इंस्पेक्टर है, खाली नाटक कर रहा है। रात क्यों हंस रहे थे? हाँ, शुरू इन्होंने ही किया, मैं तो चुपचाप खड़ा था। मुंबई पुलिस को हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। बराबर है। कौन कहां कब फट जाए कुछ पता नहीं चलता। अब आप लोग अपने काम पर लग जाइए कि मुंह देखते रहोगे। चलिए। ओके। अरे उधर किधर जा रहे हो? आइए और अपना स्टेटमेंट लिखवाइए। आइए आइए। माथे पर ही बैठे रहोगे, यहाँ आकर बैठो। अच्छा। जेठालाल, ये बैग तुम्हारे दुकान से मिला। जी। नाम बोलो। अभी कौन भूल के गए वही मालूम नहीं है, तो उसका नाम कहाँ से मालूम होगा पांडे जी? मजाक कर रहा है? हाँ, मैं तेरा और तेरे दुकान का नाम पूछ रहा हूँ। अच्छा, वो तो आपको मालूम ही है ना। अरे भाई पूछना पड़ता है, कहीं बदल तो नहीं दिया? कोई अपना नाम थोड़ी बदलता है। अरे मैं तेरी दुकान का नाम पूछ रहा हूँ, तेरा नहीं। नहीं, मेरा और मेरी दुकान का दोनों का नाम वही है। पूरा नाम बोल। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे मैं तेरा नाम पूछ रहा हूँ, दुकान का नहीं। अच्छा, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। जेठालाल चंपकलाल गड़ा। दुकान में ये बैग कितने बजे देखा? कुछ 11:30 बजे होंगे। ओ, तभी तुम्हारे दुकान में कितने लोग थे? मैं, नट्टू काका और बागा। बस तीन ही लोग? जेठालाल, धंधा कुछ ठंडा चल रहा है क्या? सॉरी सॉरी। अच्छा ये बताओ, ये बैग सबसे पहले किसने देखा? नट्टू काका ने। नट्टू काका, ये नट्टू काका कौन है? मेरा मैनेजर। मैनेजर? तुम्हारे मैनेजर कि तुम्हारे दुकान के मैनेजर? मतलब दुकान का मैनेजर। ऐसा बोलना, तुम्हारे दुकान का मैनेजर। सॉरी, दुकान का मैनेजर। चलो मैं चलो। अभी कहाँ चलूँ? अभी तो बहुत से सवालों का जवाब देना है तुझे। और कितने सवाल पूछोगे? चलो जी पांडे जी। अरे जेठालाल, पूरी इंक्वायरी करनी पड़ती है। जब इस बैग का मालिक यहाँ आएगा, उसका स्टेटमेंट और तुम्हारा स्टेटमेंट मिलाया जाएगा, पूरी जाँच होगी, तब उसको ये बैग मिलेगा, समझे?
मतलब ये जिसका बैग है वो जब तक यहाँ नहीं आता तब तक मुझे यहाँ बैठा रहना पड़ेगा? तब तक नहीं जेठालाल। तो अब जब मैं बोलूंगा तब जाना, तब तक शांति से बैठ। पुलिस स्टेशन में अय्यर का ब्रीफकेस लेके निकले हैं जेठालाल, लेकिन साथ में एक मुसीबतों का पोटला ले लिया, और मुसीबत क्या है उससे वे अनजान है। भाई ब्रीफकेस में बॉम्ब नहीं है, लेकिन बॉम्ब तो जब हालात बड़े विस्फोटक होंगे यहाँ पे। भाई जिंदगी में कोई आदमी गलती करे और उसे उसकी परेशानी भुगतनी पड़े, ठीक बात है। कोई और गलती करे और किसी और को परेशानी भुगतनी पड़े, ये भी समझ में आती है। लेकिन कोई भी गलती करे और परेशानी जेठालाल को भुगतनी पड़े, ये तो किस्मत की बात है। अब हमारे मित्र की किस्मत कुछ है ही ऐसी। अब क्या होने वाला है, क्योंकि इस ब्रीफ केस में बंद है बबीता और अय्यर का आईडी प्रूफ, उनके पैसे और मोबाइल फोन, और उन्हें जल्दी है कलकत्ता जाने की। अब क्या होगा जब पता चलेगी हकीकत, जेठालाल को जब पता चलेगा ये सब कुछ, तब क्या होने वाला है? यानी कि हंगामे बहुत सारे होंगे। यहाँ जो हालात नाम का खिलाड़ी है वो कबड्डी खेलेगा इन सब के साथ, और कबड्डी का नियम होता है सामने वाले को पटका नहीं देना। अब कौन किसे पटका नहीं देता है ये तो पता चलेगा तब जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड। खुली सड़क पे जितनी गर्मी नहीं होगी उतने आपके घरों में ठहाके होंगे। बस देखते रहिए मेरे साथ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।